हाय फ्रेंड्स, मु नरसिंह। मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज हूँ 2nd June 2020। आज समस्त करेंट अफेयर्स डिटेल्स रे डिस्कशन करवा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो टी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं समस्त टीचर ओरिएंटेड एग्जाम पे मोस्ट मोस्ट हेल्पफुल रहिबो। खास कर जो मैंने OAVS जूनियर टीचर, कॉन्ट्रैक्टुअल टीचर, ग्रुप डी, OPSC, OSSC एवं बैंकिंग पे प्रिपेरेशन करते हैं, ये वीडियो टी मोस्ट मोस्ट हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स, जदि वीडियो भल लगे तो गोटे लाइक करेंगे और अधिकारू अधिका कृपया सांगसाथी मैं शेयर करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, जब प्रथम थर पर आम चैनल विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और आउ किसी लेटेस्ट वीडियो रा अपडेट पाया पाई बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहाद्वारा नोटिफिकेशन पाइबे सर्वप्रथमे। तो फ्रेंड्स, आउ इंपोर्टेंट पॉइंट कह रखुच्छे, जदि आप PDF चाहूँगी तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु, सेठी समस्त PDF पाइपारे। आउ टेलीग्राम चैनल लिंक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आप माने पाइजिबे। तो फ्रेंड्स, आउ छोटिया रिक्वेस्ट, जो वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु और शेष दुईट क्विज रो करेक्ट आंसर कौन हम निहत कमेंट सेक्शन में जनइबे। तो फ्रेंड्स, देखने कालीर दुईट क्विज करेक्ट आंसर कौन रही। तो फर्स्ट क्विज थी आप वेर इज द चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्टा कौंठे अवस्थित, करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, यूपी रो लखनऊ ठारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन थी हु इज द करेंट MD एंड CEO ऑफ NPCI। तो NPCI रो मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान किए अच्छा, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी दिलीप अस्बे। तो देखने काली क्वेश्चन, आज क्वेश्चन देखने, तो फर्स्ट क्वेश्चन रही वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो देखो विश्व दुग्ध दिवस क्यों दिन पालन करा जाए, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 1 जून। 1 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड मिल्क डे पालन करा जाए। यार उद्देश्य होची जे आमर जो मिल्क रो न्यूट्रिशन रो अवेयरनेस करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद खान हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 42 ड्यू टू COVID-19 वायरस ही वाज ए। तो रिसेंटली वाजिद खान नाम जन व्यक्ति 42 वर्ष वयस COVID-19 जो मृत्यु घटी, तो से जड़े कौन थी, तो करेक्ट आंसर होची ही वाज ए सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पर्सन दैट हैज बीन चूजन एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कराट इंडिया। तो रिसेंटली कराट इंडिया नाम गोटे मीडिया एजेन्सी रही, तार नुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा सीईओ रूपे क्या चयन करागला, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अनीता कोटवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट हैज बीन बिगन बाय। तो रिसेंटली माय लाइफ माय योगा नाम गोटे वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट कहा द्वारा आरंभ करा जाए, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट बा कंपटीशन आरंभ करछंती, जाना होची माय लाइफ माय योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज टेनर हैज बीन एक्सटेंडेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बा साई रो वर्तमान डायरेक्टर जनरल किए अच्छा, जहाँ 2 वर्ष कार्यकाल को बढ़ाई दिगला वृद्धि करागला, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी संदीप प्रधान। रिसेंटली संदीप प्रधान जी कि आमर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो डायरेक्टर जनरल अच्छा, कार्यकाल को 2 वर्ष एक्सटेंड कर दिगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टाल कॉल्ड www.ai.gov.in। तो रिसेंटली गोटे नेशनल इंडिया रो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टाल जहाँ ना रही www.ai.gov.in यही वेबसाइट को किए लॉन्च कर, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए रविशंकर प्रसाद यहाँ को लॉन्च कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंड G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। तो रिसेंटली क्यों देश G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप रे जॉइन कला, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए USA। रिसेंटली USA G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप रे जॉइन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज कम अप विथ ए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जार शॉर्ट फॉर्म रही OSOWOG।
इनिशिएटिव टू सेट अप ए फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ग्लोबल कोऑपरेशन बा विश्व सहयोग को सुगम करबा पई रिसेंटली सुगम करबा रिसेंटली केउ देश गोटे इनिशिएटिव गोटे पदक्षेप नहीं जहाँ ना होची वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। कौ देश इनिशिएटिव ए पदक्षेप नहीं तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इंडिया। यही पदक्षेप नहीं इंडिया सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया ऑब्जर्वेटरी हैज कम अप विथ ए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस एनेबल्ड डैशबोर्ड नेम्ड इट। तो रिसेंटली इंडिया ऑब्जर्वेटरी कहाँ सहित ऑब्जर्वेटरी गोटे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बा भौगोलिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को जीआईएस एनेबल्ड डैशबोर्ड गोटे लॉन्च करती तो सेटा ना कौन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए COASTI इंडिया माने कोलाबोरेशन कोविड 19 गोटे डैशबोर्ड रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट वाज ग्रांटेड बाय नाबार्ड टू वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड पुअर पीपल। तो रिसेंटली कृषक एवं गरीब लोकंकर कल्याण पाई आर्थिक वर्ष 2021 वेस्ट बंगाल पाई नाबार्ड द्वारा केते टंका मंजूर करागला बा प्रदान करागला। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 1050 crore। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली योगेश गौर पास्ड अवे ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो रिसेंटली योगेश गौर नामक जन व्यक्ति मृत्यु होती तो से क्यों फील्ड सहित क्यों क्षेत्र सह संपर्कित। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी लिरिक्स। से जन गोटे लिरिक्स थिले। तो फ्रेंड्स ये थिला आजर टॉप 11 करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स देखे ने दुईट क्विज रही आप करेक्ट आंसर नहीं देते कमेंट सेक्शन में जनइबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलार आलियंस लोकेटेड। तो इंटरनेशनल सोलार आलियंस बा आईएसए रो हेडक्वार्टर बा मुख्यालय केउठारे अवस्थित। चारिटा ऑप्शन रही दिल्ली मुंबई बेंगलुरु गुरुग्राम। कौन करेक्ट आंसर नहीं देते कमेंट सेक्शन में जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ मुंबई वेस्ट नाबार्ड। तो रिसेंट देखु मुंबई रे थिबा नाबार्ड बैंक रो वर्तमान चेयरमैन किए अच्छा। चारिटा ऑप्शन रही पीवीएस सूर्य कुमार गोविंदा राजुलु चिंताला हर्ष कुमार भानवाला अजय त्यागी। कौन करेक्ट आंसर निहत कमेंट सेक्शन में जनइबे। जदि भिडियो भल लगी है गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिका कृपया सांगे साथ मैंने सेयार करेंगे। हाँ फ्रेंड्स जदि पीडीएफ चाहूँगी तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ से समस्त पीडीएफ पाइपारे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।